भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को कई जरूरी दिशा निर्देश देते हुए चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। वहीं निरीक्षण के क्रम में DM ने डेंगू और मौसम जनित कई रोग से प्रभावित व्यक्तियों की बेहतर चिकित्सा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए फैब्रिकेटेड अस्पताल भी पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने डेंगू से प्रभावित मरीजों से मुलाकात कर इलाज के दौरान मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने डेंगू से प्रभावित व्यक्तियों के चिकित्सा के लिए की गई व्यवस्था को देखकर अस्पताल अधीक्षक को डेंगू से ग्रसित सभी मरीजों की ससमय और उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में पूर्ण तत्परता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही DM ने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाए, इसका ध्यान रखना मायागंज अस्पताल प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबकि किसी भी प्रकार की कोताही की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। इधर DM ने निरीक्षण के क्रम में भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को मायागंज अस्पताल स्थित मुख्य भवन के पीछे के हिस्से में रंग रोगन और मरम्मति के लिए अविलंब प्राकलन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, अधीक्षक डॉक्टर उदय नारायण सिंह समेत कई अधिकारी चिकित्सक मौजूद रहे। मौसम के बदले मिजाज के कारण शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली, जबकि बीती देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण भागलपुर और सुल्तानगंज समेत विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रिमझिम एवं तेज बारिश होने से निचले इलाकों के अलावा कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे वाहनों की रफ्तार के साथ लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया। भागलपुर शहर में जहां हमेशा की तरह भोलानाथ पुल एवं बौंसी पुल समेत पूरे मार्ग में जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं सुल्तानगंज स्टेशन रोड सहित NH 80 और अकबर नगर से गोरगढ़ तक जर्जर सड़क पर पूरी तरह जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। जल जमाव और जाम के कारण अक्सर इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें इस सड़क पर आवागमन करने वाले लोग घायल भी होते हैं। वहीं बारिश के कारण गड्ढे में जमा हुए पानी से वाहन चालक और लोगों को काफी परेशानी हुई, जो न सिर्फ इस मार्ग पर आवागमन करने वालों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए बीमारी का कारण भी बन सकता है। इधर स्थानीय लोगों ने इस परेशानी के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा ध्यान देने की बात कही, जिससे जर्जर सड़क को दुरुस्त कराने के बाद यहां जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। देखिए रहे समाज में क्या है, रोज एगो दो गाड़ी पलटता है, मार यहाँ पोखर बन गया रहते रोड, और क्या कहेंगे, प्रशासन जाता है आता है किसी मतलब नहीं। ये स्टेशन रोड का हाल है? हाँ, स्टेशन रोड का हाल है। और भी जगह आगे में भी रोड, और भी आगे यहाँ से लेकर के पेट्रोल टंकी तक तो ही हाल है, भोरगढ़ तक भी जो है। भोरगढ़ वगैरह तो नहीं कर सकते हम, चूंकि बाद भोरगढ़ तो हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति है। हाँ, भोरगढ़ वगैरह में कंज्यूमर ग्राहक आता है तो बोलता है वही दुर्गंधन है, अकबर नगर में वही दुर्गंधन है। रोड का पूरा हाल बुरा, एकदम बुरा की महाबुरा, प्रशासन जाता है देखता नहीं है। जी जी, घटनाएं घटती है यहाँ। हाँ, घटना घटता है, उसके बाद वो कोई पकड़ा जाएगा लंगा लुचा तो उसके पीछे दौड़ेगा पुलिस, और यहाँ गाड़ी पलटता है, फलना होता है, खड्डा है, वो प्रशासन के नजर में नहीं है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, सांसद अजय कुमार मंडल, जदयू की राष्ट्रीय महासचिव सह राज्यसभा के पूर्व सांसद काकाशा प्रवीण, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल शनिवार को जदयू के युवा नेता सुड्डू साई के आवास पर पहुंचे, जहां सुड्डू साई और विकास कुमार समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उन सभी का भूखे देखकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और समाज कल्याण मंत्री समेत जदयू के कई वरीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरीय नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन की मजबूती प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही, जबकि केंद्र की सत्ता से भाजपा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का
दावा भी किया। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन और गठबंधन को मजबूत करते हुए देश को बचाने और भाजपा को हटाने का आह्वान जदयू नेताओं ने किया। बता दें कि कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जदयू प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री समेत सभी नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य सुड्डू साई के आमंत्रण पर उनके आवास पर पहुंचे, जहां मुलाकात के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा को पटकनी देने के लिए कई बातों पर चर्चा की गई। मौके पर युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार ओझा समेत जदयू के कई नेता और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लेके हमारे नेता ने संकल्प लिया है। सभी विपक्षी मतों को जो है सभी विपक्षों की एकता को है प्रस्ताव कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 26 दल हमारे साथ थे, इंडिया गठबंधन ने आज अपना आकार ले लिया है, जिस कारण जो है भाजपा वाले लोगों को पसीना छूट रहा है, बेचैन है, हताश है। इसलिए अनाप शनाप बोल भी रहे हैं भाजपा वाले लोग, लेकिन खैर नहीं है। जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख के खाताने देने के नाम पर, जो लोग को छल के ठग के उन्होंने जो क्षेत्र के सत्ता में आए हैं, जनता उनको समझ चुका है, खेल उनका खत्म हो गया है। अब आने वाला 2024 है, जनता उनको सबक सिखाएगी। पंचायत में सखी वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम, जिला मिशन समन्वयक एवं लैंगिक विशेषज्ञ वन स्टॉप सेंटर के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी और विद्यालय की छात्राओं एवं अन्य सहयोगियों ने सखी वार्ता कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं सखी वार्ता के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी समस्याओं के समाधान एवं उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ नियमों एवं कानूनों की जानकारी दी गई, जिससे उन सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं और किशोरियों तक पहुंच सके। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी के जन्म होने पर उनके नाम से वृक्षारोपण करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण किया जा सके। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड शिक्षक संघ के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग के लिए भागलपुर से दिल्ली रवाना हुए शिक्षक संघ के सदस्यों ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में NMOPS संगठन के तत्वावधान में भारत के विभिन्न जगहों के सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन होना है, जिसमें भाग लेकर वे सभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग करेंगे। साथ ही कहा कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो और उन सभी को बड़ी राहत मिले। इसके अलावा शिक्षक नेताओं ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों का हक मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उन लोगों के द्वारा की जा रही है। इस दौरान शिक्षक संघ के सदस्य नंदकिशोर साह, विनोद प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र कुमार सहित शिक्षक संघ के कई सदस्य मौजूद रहे। पूरे सभी तरह के कार्यकर्ता वहाँ पर जो हम लोग भाग लेने आए हुए हैं और 1 तारीख का ये प्रोग्राम है रामलीला मैदान में, तो इसका लेकर सभी जगह के लोग आ रहे हैं। सभी जगह से भारत के साफ हर राज्य के लोग, प्रत्येक राज्य के लोग वहाँ आ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार से मांग है? केंद्र सरकार से OPS की मांग है, हमारी पुरानी पेंशन हमें दे दे, यही मांग को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और लगभग देश के लगभग सब विभाग के कर्मचारी, चाहे रेल हो, शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, सभी कर्मचारी वहाँ पर पहुँचने का करते हैं। बिजली विभाग का हो, सभी विभाग के कर्मचारी वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर। लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होगा और देश के सभी जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं वो सभी का जुटान होगा। कहाँ? रामलीला मैदान, दिल्ली।